गाइस वेलकम बैक फॉर माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है सन और आप देख रहे हैं सन फुटबॉल 7। तो आज की वीडियो में मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं बनने वाला हूँ। आज की वीडियो को बनाने का इतना सा मोटिव है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, आप लोगों को उठा सकूँ कन्फ्यूजन से और फेलियर से, सो दैट आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट कर सकें। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे क्वेश्चन पे जो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं, और शायद इन दो क्वेश्चन के आने की वजह से हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हम लोग ज़रूर सोचते हैं, और वो दो क्वेश्चन ये हैं। सबसे पहले कि वॉट इफ़ आई फेल, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँगा कोई भी काम करने में, कोई भी टास्क करने में, कोई भी गेम खेलने में, कोई भी एग्जामिनेशन में। और दूसरी चीज़ ये कि पीपल विल लाफ एट मी, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो इसी सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फेलियर के ऊपर। ये थॉट आपके माइंड में आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, ठीक है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि एकदम सही बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में बैड सिचुएशंस और जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें फेलियर नहीं फेस करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपकी ट्रू ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपके बात बोलना चाहता हूँ कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू बी रॉन्ग, यू विल नेवर कम अप विथ एनीथिंग ओरिजिनल। कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं आ पाएगी जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे किसी रॉन्ग सिचुएशन के लिए। ठीक है, मेन दिक्कत ये नहीं होती कि हम लोग फेलियर फेस करते हैं, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि फेलियर फेस करने के बाद जब हम लोग गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, ठीक है। फेलियर एक बार फेस करेंगे, दो बार फेस करेंगे, तीन बार फेस करेंगे, बट गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और अब मेन चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि हम लोग गिव अप नहीं करते, बट हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा गिव अप कर रहा है, दूसरे से नहीं हो पा रहा है वही काम, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम मुझसे भी नहीं हो पाएगा। बट ये एक गलत थिंकिंग है, हो सकता हो आप उससे अच्छा काम कर लें बट आप दूसरे को फेल होता हुआ देखते हैं तो इसलिए आप भी वो काम नहीं करते। तो ऐसी थिंकिंग आपको अपने अंदर नहीं लानी है, ठीक है। और फेलियर को फेस करना कोई भी गलत बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि फेलियर हमारी लाइफ की एक ऐसी चीज़ होती है जिससे दो काम होते हैं। पहली चीज़ ये कि उससे हम अपने आप को जान पाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि हम अपने वर्क को जान पाते हैं, और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट हैं, आपको क्या लगता है अपनी लाइफ में फेल नहीं होंगे? वो लोग फेल होते हैं, उनका फेलियर ही उनको मोटिवेट करता है कोई भी टास्क करने के लिए, कोई भी चैंपियनशिप जीतने में, कुछ भी टास्क, कुछ भी अचीव करते हैं वो अपने फेलियर से मोटिवेट होकर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सेकेंड पर। नंबर सेकेंड पर यह आता है कि पीपल विल लाफ एट मी, लोग मुझ पर हंसेंगे, यही सोच के हम लोग कोई टास्क नहीं करते हैं, ठीक। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, लोगों का हंसना आपके ऊपर, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, पर ये पार्ट नहीं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पीपल विल ऑलवेज गोइंग टू लाफ एट यू, जज यू एंड मच मोर, बट द थिंग जो मैटर करती है वो ये कि आपका क्या रिएक्शन है, ठीक है। मैं तो बस इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि यू जस्ट हैव टू चोक देम इन देयर ओन लाफ्टर बाय बीइंग नाइस टू देम। उनसे आप अच्छे रहिए, वो ऐसे हैं बट आप नहीं ऐसे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड पे मत लिया करिए। देखिए, जितने भी फुटबॉल प्लेयर होते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी कि जब वो लोग कॉर्नर किक या थ्रो इन ले रहे होते हैं तो कितने ऐसी ऑडियंस होती है जो उनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक कैंस, खाने की चीज़ें फेंकते हैं क्या, बट वो लोग रिएक्ट करते हैं, फुटबॉल प्लेयर रिएक्ट करते हैं? नहीं। जब वो प्लेयर होके नहीं रिएक्ट कर रहे तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग कल सुबह जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे एक 50 टू 60 ईयर ओल्ड फुटबॉल फील्ड को, वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलेंगे, बिकॉज फुटबॉल खेलते हुए कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो कल हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, फिर कल वो वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। कल की वीडियो में सोच रहा थोड़ा व्लॉग टाइप की हो, तो चलिए देखते हैं कैसी बनती है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।